अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग माय नेम इज हिना शौकत एंड आई एम योर क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री टीचर और आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर सेवन विच इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसका इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ स्टार्ट करेंगे टॉपिक सेवन पॉइंट वन विच इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस सो स्टूडेंट्स एज यू नो हमने स्टार्ट करना है हमारा चैप्टर नंबर सेवन विच इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इस चैप्टर के अंदर बहुत सी केमिकल इक्वेशंस हैं बहुत से केमिकल रिएक्शंस हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे और साथ ही साथ देर आर अ लॉट ऑफ डायग्राम्स एज वेल इस चैप्टर में हम कुछ सेल्स की डिस्कशन करेंगे जिनकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे उम्मीद है कि आप हर चीज़ की बाय हैंड प्रैक्टिस करेंगे फिर ही आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकेंगे इफ वी लुक एट द नेम ऑफ दिस चैप्टर सो दिस इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अब इसका नाम ही शो करता है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल्स इनका कोई रिलेशनशिप होने वाला है लेट्स हैव अ लुक एट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री एंड दैट ब्रांच व्हिच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शंस यानी कि केमिकल रिएक्शंस और इलेक्ट्रिसिटी का रिलेशनशिप जिस ब्रांच में हम स्टडी करेंगे केमिस्ट्री की हम उसे कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और दिस इनवॉल टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस विच इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दो तरह के रिएक्शन हो सकते हैं और एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइड बाय साइड चलती हैं उस रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर कंबाइन करके रिडॉक्स रिएक्शन का नाम दिया गया है अब रिडॉक्स रिएक्शन की फर्दर कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन और इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम हमारे आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे यहां हम सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात करेंगे दैट वट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस होल चैप्टर वेन वी से रिडॉक्स रिएक्शन तो रिडॉक्स रिएक्शन दो तरह से हो सकता है इधर इट वुड बी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ये वर्ड्स इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं यू मस्ट नो वट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जो के खुद ब खुद हो सकते हैं यानी कि आपने दो चीजों को मिक्स किया तो उनका कोई ना कोई रिएक्शन हो गया अगर आपने एक चीज को डिजोल्व किया सपोज पानी में ही किया तो उसने अपने आइंस बना दिए और वो किसी दूसरी चीज के साथ आसानी से रिएक्ट कर सकती है तो ऐसे रिएक्शन होंगे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से आप इलेक्ट्रिसिटी जेनरेट कर सकते हैं बट इफ यू टॉक अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए आपको कोई ड्राइविंग फोर्स रिक्वायर्ड होती है कोई एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होती है और चूंकि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो वो एक्सटर्नल फोर्स होगी इलेक्ट्रिसिटी सो हम कह सकते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन दे कैन इधर टेक प्लेस एस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन यानी कि दे कैन टेक प्लेस स्पॉन्टेनियसली टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी जब स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन हो रहे होंगे तो उसके नतीजे में हमें मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी और सेकेंड ऑप्शन इज इलेक्ट्रिसिटी इज यूज टू ड्राइव नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन सो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आर दोज रिएक्शन विच टेक प्लेस ऑन देयर ओन उट एनी एक्सटर्नल फोर्स उनके लिए आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स कोई एक्सटर्नल नहीं होगा बट नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन दे आर दोन दस ऑफ एन एक्सटर्नल और इस चैप्टर में हम जिन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात करेंगे उनमें जो एक्सटर्नल एजेंट है वो होगा इलेक्ट्रिसिटी अगर आपको एग्जाम में डिफरेंस का क्वेश्चन आता है बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस तो आपको क्या करना है एक लाइन ड्रॉ करनी है और फिर आपको इनके डिफरेंसेस मेंशन करने हैं अब आखिर ये रिएक्शंस होते कहा है बेसिकली रिडोक्स रिएक्शंस दे आर टेकिंग प्लेस इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स इलेक्ट्रोकेमिकल वर्ड रिलेटेड टू है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मतलब एक ऐसी चीज सेल मतलब एक कंपार्टमेंट एक जगह जिसके अंदर कुछ रिएक्शंस हो रहे होंगे अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी दो तरह से हो सकते हैं इधर इट वुड बी इलेक्ट्रोलिटिक सेल या फिर हो सकता है गैल्वेनिक सेल हमने देखा कि रिएक्शंस दो तरह के हैं स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस वो हैं जिनको ड्राइव करने के लिए जिनको स्टार्ट करने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स देनी है तो ऐसे रिएक्शन टेक प्लेस होते हैं जिस सेल में उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल यानी कि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने से केमिकल रिएक्शन होगा और दूसरी तरह का सेल है दूसरी तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है गैल्वेनिक सेल एंड इन गैल्वेनिक सेल होगा क्या इन गैल्वेनिक सेल केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस विच इज गोइंग टू बी स्पॉन्टेनियस जो खुद ब खुद होगा और उस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि आपको उससे इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है अब इस लेक्चर के अंदर इस चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस करना है इलेक्ट्रॉलिस ऑफ फ्यूज सोडियम क्लोराइड और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलिस ऑफ सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एज वेल और जब हम फ्यूज सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो उससे हमें मिलता है सोडियम मेटल सोडियम मेटल बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है जिसे हम डिफरेंट जगहों पे यूज कर सकते हैं तो उसकी इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नॉलेज होना बहुत जरूरी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हम सेल्स पढ़ते हैं बेसिकली उन्हीं सेल की जो बेसिक कंस्ट्रक्शन और वर्किंग है उसी को मॉडिफाई करके बनाया जाता है सोडियम मेटल को और यह प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर इसी तरह अगर आप सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन लेते हैं यानी कि सोडियम क्लोराइड इजोल्व इन वाटर सो उससे आप बना सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है कास्टिक सोडा विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आपने इसका नाम पहले भी सुना होगा कास्टिक सोडा हम हमारे घरों में भी इस्तेमाल करते हैं सो so, कास्टिक सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत स्ट्रॉन्ग एल्क्राई है ये बहुत डेंजरस भी होता है सो so, इसको कमर्शियल स्केल पे प्रिपेयर करने के लिए भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का ही सहारा लेते हैं और उसमें भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल ही इन्वॉल्व होता है हम इनकी डिटेल्ड कंस्ट्रक्शन और वर्किंग हमारे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अलावा इस चैप्टर में जो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगी इट इज गोइंग टू बी रिलेटेड टू क्रोजन आप जानते हैं कि क्रोजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है मेटल्स यूजली क्रोड करती है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर वो एयर के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाती हैं और वो ऑक्साइड जो हैं वो क्रोजन का बायस बनते हैं हम इस चैप्टर में देखेंगे कि क्रोजन क्या होती है प्रोसेस ऑफ क्रोजन क्या है और हम क्रोजन को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं क्रोजन की प्रिवेंटिंग में यूज होती है कोटिंग और वो होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी कि उसमें भी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एप्लीकेशन को डिटेल में समझेंगे सो so, ये तो है इंट्रोडक्शन इस पूरे चैप्टर का क्या आखिर हम इस चैप्टर को किन किन पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं अब आपको यहीं से इंटरेस्ट तो होगा कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का बेस करता है ऑन एडिशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन पे इसके अलावा भी हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के एक और कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं जो कि है रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन्स जिसे हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे सो so, यहाँ हम देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन और उसमें भी एडिशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन सो अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन की ट वॉट इज ऑक्सीडेशन सो ऑक्सीडेशन वुड बी डिफाइंड एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इसका ऑपोजिट रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अगर किसी केमिकल रिएक्शन में इनमें से कोई भी चीज हो रही है ऑक्सीजन ऐड हो रही है या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो हम उसे कहेंगे कि वहां ऑक्सीडेशन हो रही है अब अगर बात करते हैं रिडक्शन की अब यकीनन रिडक्शन ऑक्सीडेशन से ऑपोजिट होगा सो so आपको सिर्फ और सिर्फ चीजें फ्लिप करनी है सो वी कैन से रिडक्शन इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड removal of oxygen so from these two points you can clearly state that oxidation and reduction these are two opposite things but you will be surprised that both of these processes they take place simultaneously in a reaction any kisi reaction may side by side or and we can say देयर इज रिडक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का बहुत गहरा ताल्लुक है जब एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रही होती है तो उसी रिएक्शन में रिडक्शन भी एट द सेम टाइम हो रही होती है सो so, समझते हैं हम इस कॉन्सेप्ट को विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल और यहां डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड की वेन इट विल रिएक्ट विद कार्बन

फोकस ऑन ऑक्सीजन एज यू कैन सी दिस वॉज जिंक ऑक्साइड एंड ओवर हेयर दिस इज ओनली जिंक नाउ सो अगर आप फोकस करें सो so, जिंक में से ऑक्सीजन हुई है रिमूव सो so, हम कह सकते हैं कि यहां हुआ है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा तो हम उसे कहेंगे कि यह हो रही है रिडक्शन अब यहां हमने आइडेंटिफाई किया कि इस रिएक्शन में रिडक्शन कहां हो रही है लुक एट दिस कार्बन दिस कार्बन यहां पे ये सिर्फ कार्बन थी लेकिन एरो के ऑपोजिट जाके इसमें ऑक्सीजन ऐड हुई है एंड यू कैन सी दैट देर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन सो वी कैन राइट दैट हेयर वी कैन सी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड इफ देर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन कार्बन सो वी विल से क्या हुआ है ऑक्सीडेशन सो दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई इन अ रिएक्शन के ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है और एक रिएक्शन में यू कैन सी साइड बाई साइड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर गोइंग ऑन सो आपको ये देखना है कि अगर उस रिएक्शन में ऑक्सीजन है तो वो रिमूव कहां से हो रही है जहां ऑक्सीजन रिमूव हो रही है इट वुड बी रिडक्शन और जहां ऑक्सीजन एड हो रही है दिस इज ऑक्सीडेशन अब ये एग्जाम्पल थी इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन क्योंकि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है तो हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय ओनली ऑक्सीजन तो अब लेते हैं एक मिसाल जहां हम हाइड्रोजन की मदद से समझते हैं कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड एंड इट्स रिएक्शन विद क्लोरीन एच टू एस इज द फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन सल्फाइड सी एल टू इज फॉर क्लोरीन एंड रिएक्शन वुड बी सल्फर प्लस एच सी एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन क्लोराइड And if we will write a balanced chemical equation for this, it would be something like this. Now you can see one equation in which there is no oxygen. It means that you cannot identify oxidation or reduction on the basis of addition or removal of oxygen, but we can see that there is hydrogen present. So it means that in terms of hydrogen, we can identify oxidation is happening and reduction is happening. So, this H2S. ज शिफ्टेड टू सल्फर यानी कि इस हाइड्रोजन सल्फाइड में से हुआ क्या हाइड्रोजन रिमूव हुई है यू कैन क्लियरली सी दैट हाइड्रोजन रिमूव होके खाली सल्फर अलग नजर आ रहा है so, हम कह सकते हैं कि यहां हुई रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा So, हम उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन नाउ इफ यू लुक एट दिस क्लोरीन सो क्लोरीन ने हाइड्रोजन को एड किया है और बनाया है एच सी एल सो इट मीन्स यहां हो रही है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन and we know when there is addition of hydrogen so yahogi opposite of oxidation reduction so from this example you can have an idea that how can you identify whether oxidation is taking place or reduction is taking place in a particular element or compound in a chemical reaction and by looking at this chemical reaction you can state that a chemical reaction in which ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस दे बोथ आर इन्वॉल्व इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन यानी कि आप देख सकते हैं कि यहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है सो ऐसे रिएक्शन को हम एक नाम दे सकते हैं जी हाँ और वो नाम होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और इसकी एक शॉर्ट फॉर्म भी है जो के बनाई गई है इन ही टर्म्स को यूज करते हुए सो फर्स्ट लेटर्स को पिक करके वी हैव वन मोर टर्म रिडॉक्स रिएक्शन सो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही हैं साइड बाय साइड आप उसे कहेंगे रिडोक्स रिएक्शन सो आई होप कि अब आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन लिख सकते हैं लेकिन सिर्फ इसी बेस पे आप ऑक्सीडेशन या रिडक्शन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते देर आर अलॉट ऑफ अदर थिंग्स एज पर अब देखें किसी भी केमिकल रिएक्शन में जरूरी नहीं कि के हर केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन भी होगा और हाइड्रोजन भी होगा यहां पर दोनों में से कोई एक मौजूद होगा ऐसे बहुत से केमिकल रिएक्शन है जिनमें ना तो ऑक्सीजन होती है और ना ही हाइड्रोजन होती है सो इट मीन क्या उनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती ही नहीं है सो so अगर होती है तो हम उसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये सीखेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में सो so स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर इन डिटेल मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि हम इस चैप्टर को किन किन टॉपिक्स की बेस पे पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ स्टार्ट किया है टॉपिक सेवन विच वॉज रिलेटेड टू ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और हमने समझा है डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ एडिशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा हम अपने आने वाले लेक्चर्स में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ही कॉन्टिन्यू करेंगे मगर वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और खूब सारा पढ़िएगा अल्लाह